पढ़ाया आपने चैप्टर 7 की वोकैबुलरी तैयार करनी है, और आज हमने चैप्टर 6 आप याद करके आए थे, तो मैं अभी इधर जो है ना पढ़ता हूँ, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी जी। ओके जी, इधर 2 3 बातें लिखने वाली, क्योंकि ये बार 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 आनी है, तो इसको एक दफे ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये अल्फाज लिखो जी। हाक सुब मोक्यो, हाक सुब मोक्यो, हाक सुब मोक्यो कहते हैं जी स्टडी गोल, पढ़ने का मकसद। पढ़ने का मकसद क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जी छागी सोगे। छागी सोगे अपना इंट्रोडक्शन, छागी सोगे हागी इंट्रोडक्शन करवाना। ठीक है जी, छागी सोगे हागी इंट्रोडक्शन करवाना। फिर उसके बाद है जी मुनपोप, मुनपोप ग्रामर। इस चैप्टर में हम ग्रामर पढ़ेंगे इमनी दा और इमनी का, दो ग्रामर है, हर चैप्टर में दो ग्रामर आएंगे जी। फिर उसके बाद सर, ओवी, एक एक क्वेश्चन है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये साथ में नोट डाउन कर लें, जी जी करो ना। बाद में नहीं, नोट इस टाइम तो सर पेन नहीं, मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग में आएगी ना जब आप वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर? इंशाल्लाह ग्रुप में लिंक आएगा जी। डन डन होगा सर, डन होगा। मुनपोप, मुनपोप ग्रामर, दो थोड़ा ग्रामर नीचे पढ़ेंगे कीजिएगा, जी। थोड़ा नीचे कीजिएगा सर, स्क्रीनशॉट में। ओके जी, हक्सप मोक्फ्यो, एक दफा लिख लें, ये लफ्ज बार बार आने हैं, बार बार रोज रोज आने हैं, इसीलिए एक दफा लिख लें। हक्सप मोक्फ्यो स्टडी गोल, पढ़ने का मकसद। फिर उसके बाद मुनपोप लिखो जी, मुनपोप ग्रामर, मुनपोप ग्रामर। फिर उसके बाद ओवी, आपने क्लोज करके लिखना है, ये स्पेस नहीं देख लिखना, ठीक है? ओवी एक ही लफ्ज है ये, ओवी। ओवी कहते हैं जी वोकैबलरी को, वोकैबलरी हम इस चैप्टर में वोकैबलरी पढ़ेंगे, नारा मूलक छीगो पेशा, नारा, नारा कंट्री मुलक। फिर उसके बाद छोंगबो, छोंगबो कहते हैं इंफॉर्मेशन मालूमात, छोंगबो मालूमात, छोंगो, छोंगबो। मुनवा, मुनवा कहते हैं जी कल्चर को। हर चैप्टर में एक कल्चर आएगा या एक इंफॉर्मेशन आएगी। ओके जी, छोंगबो इंफॉर्मेशन मालूमात, मुनवा कल्चर। दोबारा जी, हर चैप्टर में ऐसे ही होगा, हाक्षम मोक्यो पढ़ने का मकसद कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुनपोप होगी ग्रामर, हर चैप्टर में दो ग्रामर आएंगी। फिर उसके बाद ओवी वोकैबलरी, हर चैप्टर में दो वोकैबलरीज आएंगी, ठीक है? छोंगबो इंफॉर्मेशन, मुनवा कल्चर, या तो चैप्टर में कल्चर आएगा या इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके जी, इधर क्या लिखा है? सर ये छागी कौन सी बुक है? सोगे सर ये कौन जी, सी बुक है सर? बुक इसमें है बुक 1 है जी, बुक 1। ये जो आपके सर पास ये? नोट्स हैं उधर वोकैबुलरी लिखी हुई है जी सारी इसकी, ठीक है सर। छागी सोगे, इमनी का इमनीदा, नारा और इंसा, ये जो सर ये सारे आपके सामने आने हैं जी। चैप्टर का नेम क्या है जी? इफ्तिखार भाई, सियालकोट से इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार नहीं जी, सर मैं पढ़ू, सर पढ़ो जी, मैं तू ही पढ़ पढ़ू। लो, पढ़ो पढ़ो जी जी छोनन थुआन इमनिदा, मैं थुआन हूँ भाई। सर। क्या मतलब है? माय नेम इज मैं तुआन, छोनन वही हमने पढ़ा है, छोनन मतलब मैं, थुआन बंदे का नाम है, और इमनिदा ग्रामर लगी है छोनन थुआन इमनिदा, मैं तुआन हूँ। ओके सर, ये थेवा, नीचे भी सर मैं पढ़ू। क्या? फिर उसके बाद थेवा जी, थेवा मतलब मुकालमा, लिख लो लफज थेवा, थेवा इल। हर चैप्टर में दो मुकालमे आएंगे जी।
हुआ मुकालमा, गुफ्तगु। दो बंदे गुफ्तगु कर रहे हैं जी, क्या गुफ्तगु कर रहे हैं? नुमान अरशद भाई करो, नुमान। हासी हो सोनम। बंदे का नेम क्या है जी? मिंसू बंदे का नेम है, प्रो। आने हासे हो, दोबारा जी। आने हासे हो, नहीं जी, नीचे क्यों गा रहे हैं? अन्योंग, अन्योंग हासे हो। ओके, माइक ऑफ कर दो अपने भाई कामरान गुफार भाई, दूसरी लाइन। जी सर। छोनन, ओके, इमनीदा। बाकी दोस्त अपने माइक जो है ना नहीं, ऑफ रखे हैं, सर की बात को जरा गौर से सुने। छोनन छोनन इमनी ई इम ई ई मिन मिनसो मिनसू अगे इमनीदा। इमनिदा, वेरी नाइस। छोनन मतलब मैं, ई मिनसू बंदे का नाम है और इमनिदा है। ओके जी। अच्छा जी, मैं पढ़ा था पढ़ लो जी, पढ़ लो, पढ़ो। जी। तुआन अन्योंग ओके जी, तुआन कह रहे हैं जी। हेलो हासेओ, अनियम हासे हो, पढ़ो। अगे छोनन मैं तुआन निमिदा, मैं तुआन हूँ छोनन। ओके जी, माइक ऑफ कर दो, शाबाश। ओके, गुलाम मुर्तजा भाई आप पढ़ो जी आखिरी लाइन। सर मैं पढ़ूं। ओ जी हसीब भाई, शोनेन, शोनेन बित नाम सार में ही मनी था क्या मतलब है? कि मैं बित नाम का आदमी हूँ। सारम आदमी। ओके जी, बेतनाम कंट्री का नेम है जी। चोनन बेतनाम सारम इमनिदा, मैं बेतनाम का आदमी हूँ। इसमें से कोई ऐसा लफ्ज जिसके मतलब का आपको नहीं पता जी? मैं पढ़ता हूँ। अनियोगासेओ मिनसु कह रहा है, अनियोगासेओ चोनन इमिनसु इमिदा। हेलो, मैं इमिनसु हूँ तुआन। फिर उसके बाद तुआन कह रहा है जी, अनियोगासेओ चोनन तुआन इमनिदा, मैं तुआन हूँ। चोनन अच्छा बेतनाम सारम इमनिदा, मैं बेतनाम का रहायशी हूं या सारम इंसान हूं, मैं बेतनाम का आदमी हूं। ओके जी, हूँ। बिशिंदा हूं जी, बिशिंदा। इसने अभी लिसनिंग बोलना है, लिसनिंग में इसने सबसे पहले बोलना है जी युक गुआ। युक मतलब सिक्स, गुआ चैप्टर। फिर उसके बाद चैप्टर का नाम कौन सा अच्छा सर ट्रैक जी, है वो? मैंने ये पूछना था, ये जो प्रोनाउंसिएशन है, खेत नाम है या बेत नाम है, इसे पीएफ वियतनाम, से हो गई या पीएफ से? वियतनाम है ना, वियतनाम, वियतनाम। नो इशू, कोई मसला नहीं। सुनो जी, 22। युक्वा저는 투안입니다. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. इस बुक की लिसनिंग थोड़ी तेज है, लेकिन पेपर में ऐसी लिसनिंग नहीं होगी। जो हम पहले लिसनिंग सुन रहे थे वही स्पीड होगी बोलने की, वही अंदाज होगा। दोबारा सुनो सर जी, यहाँ सर जी ऑप्शन नहीं है वो स्लो करने का यहाँ भी? जी। नहीं, स्लो नहीं करनी जी, आदत बन जाएगी। युक्वा 저는 투안입니다. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. 네 जी, नारा कहते हैं मुल्क को, नारा, नारा कंट्री, मुख्तलिफ कंट्री के झंडे हैं जी। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रामर आ गया जी। इमनीदा, इमनीदा का मतलब क्या है जी? है नाउन के साथ लगेगी, मसलन परी है ना, चोनन थुआन इमनीदा, मैं तुआन हूं।
चोनन फारू इम्निदा, मैं फारू हूं, बंदे का नाम है जी। चोनन मैं, पाकिस्तान सारम इम्निदा, मैं पाकिस्तान का आदमी हूं। चोनन इंडोनेशिया सारम इम्निदा, मैं इंडोनेशिया का आदमी हूं। इम्निदा, इम्निदा मतलब क्या है जी? है, इसको डिटेल में जाने की जरूरत है या व्हाइट बोर्ड पे जाने की जरूरत है जी? ओके जी, नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। नहीं ओके सर, जी, नहीं ओके 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 सर, ओके जी। सर, जो हम सब है इम्निदा का मतलब है या हूं। ये जी, बस है ये। ठेवा ई, दूसरा मुकालमा, दो बंदे गुफ्तगू कर रहे हैं जी। इजाजुल्ला भाई, पढ़ो जी। जी तसीफ भाई, चूनन तुवान इम्निदा, मतलब मैं तुवान हूँ। ओके, दोबारा पढ़ो, फिर अगली लाइन भी पढ़ो। सर जी, मैं पढ़ूं? नहीं जी, मैं पढ़ूं सर? सर ये तसीफ भाई, तसीफ भाई पढ़ो। सर ये मैं सारा नहीं पढ़ के सुना दूं? है यार, अबू बकर भाई पढ़ो, गुजरा वाला से, अबू बकर भाई। जी सर, कौन सा पढ़ना है? जी दूसरी लाइन, अच्छा फटाफट। सर, ये ओनी ओनीस ओन ओनी आने मारा ओंकारा सारम नीदा, भाई मैं एक बार तो वापस, ओंकारा ओंकारा। अबू बकर भाई माइक ऑफ कर दो जी। शकील शाह, शकील शाह भाई पढ़ो। अबू बकर भाई माइक ऑफ करो, अपना शोर बहुत आ रहा है जी। ऑनलाइन शकील भाई, असदुल्ला सर, एजाज, पढ़ो। नारा सारम इम्निदा। इमनी जी मैं इमनी, पढ़ू? हाँ पढ़ो जी, आप पढ़ो। ओनू नारा सारम इमिका। इमनी का मतलब क्या है सर जी? मैं सारी पढ़ूं? लाइन का मतलब क्या है? सवाल ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। करने, किस ये किस मुल्क, ओके जी, किस कर मुल्क के आदमी हो? ओके भाई, दोबारा फिर अगली लाइन भी पढ़ो जी। बेथनाम, नाम सारम इमिदा। बेतराम का आदमी हूँ। ओके तसीफ, तसीफ भाई पढ़ो। यार असल में ना, हक जब सिंह से के इमिका। हक सिंह का क्वेश्चन कर रहा है कि आप स्टूडेंट हो, जी आनियो, उसने बोला सर, नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, आनियो नहीं। आने हो हवेसावन उसने कर, इमनिदा, हवेसावन क्या जी? कंपनी मुलाजम, नहीं सवान वैसवान इमनिदा कंपनी मुलाजम। मुलाजम अच्छा कंपनी। जी, दो बंदे गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है। वो कह रहा है जी, चोनन मैं, थुआन इमनिदा, मैं तुआन हूँ। ओन नारा सारम इमनिका, कौन से मुल्क के सारम आदमी इंसान इमनिका हो, कौन से मुल्क के आदमी हो या कौन से मुल्क के बशिंदे हो? बेथनाम सर सारम, इधर सारा मिबनी का नहीं आएगा? सारा मिबनी का, सारम इमनी का, मियम की, दोनों मीम की साउंड है, ऊपर जाए नीचे बोले सेम ही साउंड आएगी। बेतनाम सारम इमनी दा, बेतनाम का आदमी हूँ। हक सेंग इमनी का तालबे इल्म हो, क्वेश्चन कर रहा है जी। आनियो वेसावा इमनी दा, कंपनी मुलाजम हूँ। सुनो जी, फेवा ई 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. 두바라 순이에요. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다.
학생입니까? 아니요, 회사원입니다. 오케이. 예, 발음. 발음 कहते हैं जी प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बता रहा है जी, ये जो इमनी दा है इसको ब्रैकेट में दोबारा उसने लिखा है जी, ये देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इमनी दा, बी अप को मीम बना के लिखा है कि इसको आपने इपनी दा नहीं पढ़ना, इसको आपने इमनी दा पढ़ना है। ओके ओके जी, इसके बाद है जी छीगो, ओवीई, दूसरी वोकैबुलरी में छीगो पेशा, अक्सिंग तालबे इलम, सोनथिंग नीम उस्ताद, अवेशावन कंपनी मुलाजम, छुबू हाउसवाइफ, खोंगचलवान पुलिस, सोबंगवान फायर फाइटर, खोंगमुवान पब्लिक ऑफिशियल, छोमवान दुकानदार, उइसा डॉक्टर, खानोसा नर्स, योरीसा कुक, उंजन खीसा ड्राइवर, खीसुलजा टेक्नीशियन मैकेनिक। ये सारी वोकैबुलरी आपको मैंने कल पढ़ाई थी कि भाई कल आपने याद करके आनी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप याद करके आए होंगे। मोक्सू बरहई, नोंगू किसान, ओबू फिशमैन, इमनिका, वही ग्रामर है जी, इमनीदा को सवालिया शक्ल में करेंगे तो इमनिका होगा, मतलब इसका है ही है। मसलन हवेसावान इमनिका, क्या आप कंपनी मुलाजम हो, तो इमनिका का जवाब इमनिदा में, ने हवेसावान इमनिदा। दूसरे में कह रहा है सोनसेंग निम इमनिका, आप उस्ताद हो, आनियो हाक्सेंग इमनिदा, तालबे लहू। ओके जी, योरी सा इमनिका, आप कुक हो, बावर्ची हो, ने योरी सा इमनिदा, हाँ जी कुक हूँ। ओके जी, ग्रामर का इस्तेमाल का पता है जी, इमनिका इमनिदा से मैं क्वेश्चन के लिए इमनिका, आंसर के लिए इमनिदा, ये प्रैक्टिस है जी, इसको छोड़ो। फिर उसके बाद है जी, हर चैप्टर में मुनवा, या तो मुनवा कल्चर होगा या छोंगबो इंफॉर्मेशन होगा, पहले बता के आए हैं जी। इंसा ये जुल, इंसा पर है हमने वर्ब की शक्ल में आए थे, इंसा हादा सलाम करना, ठीक है। ये जुल कहते हैं जी मैनर्स, अदाब, ये लफ्ज लिख लो दोनों, इंसा ये जुल, इंसा सलाम करने के अदाब। सर तरीकाकार भी कह सकते हैं, तरीकाकार अदाब मैनर्स, मैनर्स ओके, इंसा ये जुल। इसमें वोकैबुलरी थोड़ी सी एडवांस है, सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे के आगे चलते हैं, जब दोबारा हम रिपीट कर बुक को रिपीट करेंगे या जितना पढ़ा होगा उसको रिपीट की सूरत में हम करेंगे, तो फिर इधर इसको हम डिटेल में पढ़ के जाएंगे, ठीक है जी। अभी आपने नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। फोटो देखो जी, छोटा बंदा है वो, छोटा जो है वो बड़े को हिंसा कर रहा है। छाशिन बोदा, छाशिन बोदा अपनी जात की निस्बत, नाइगा मान गोना उम्र ज्यादा होना, या छीवी अपनी जात की निस्बत अगले बंदे की उम्र ज्यादा हो या उसका स्टेटस ज्यादा हो, रैंक ज्यादा हो या ओहदा उसका ज्यादा हो, तो उसको इस तरह से सलाम करना है जी, झुक के सलाम करना है। ओके, फिर उसके बाद है जी, छो मन्नन सारंग वा इंसालते, पहली दफा मिलने वाले आदमी के साथ हिंसा, जिसको आप बिल्कुल पहली दफा मिलते हैं उसके साथ आप शेक हैंड कर सकते हैं, थोड़ी सी गर्दन भी झुका रही है। उसके बाद छिकचंग तोंगन्यूना आनंद सारम, का साथ काम करने वाले साथी या जिनको आप जानते हो उसके साथ, ये इनकी देखो जी गर्दन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी झुकी है और इसकी देखो जी ये तो ज्यादा बैंड हुआ है जी, समझ आ रही है जी, हल्का फुल्का जी, ये हल्के फुल्के। फिर उसके बाद छाशिन बोदा नाइगा ओरी गोना, अपनी जात की निस्बत उम्र ज्यादा होना, या छिनहान सारम गुआ क्लोज फ्रेंड, उनके साथ आप इशारे के साथ बात कर सकते हो, हाय हेलो। ओके जी, दोबारा जब बुक रिपीट करेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे।